नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मोहब्बत जो एक दूसरे को करीब लाती है, एक बना देती है एक दूसरे का जिंदगी भर साथ निभाने के लिए। महत्वाकांक्षा जो देती है जुनून कुछ कर गुजरने का, दौलत और शोहरत कमाने का, जिंदगी में एक मकाम हासिल करने का। लेकिन अक्सर जिंदगी में मोहब्बत और महत्वाकांक्षा एक दूसरे के आड़े आ जाती है और हमें दोनों में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है और ये चुनाव आसान नहीं होता है। लेकिन अगर एक के लिए दूसरे को धोखे में रखा जाए तो इसका अंजाम जानलेवा भी हो सकता है। हमारी आज की ये कहानी हम सब ने पहले कई बार सुनी है, लेकिन उसे समझने की कोशिश पहली बार कर रहे हैं। क्या मोहब्बत और महत्वाकांक्षा के बीच में बैलेंस बनाया जा सकता है? और अगर इनके बीच बैलेंस ना बने तो इनमें से एक का त्याग करना ही उचित है। क्या हुआ जेम्स? चलो कोई ना, इस मर्ज की भी दवा है मेरे पास, तुम्हें एक अच्छी सी फुट मसाज देता हूं। फीलिंग बेटर? हेलो, आई वॉन्ट टू बुक अ टिकट टू मुंबई ऑन अ अर्जेंट बेसिस, या फॉर टुमारो। अब ठीक है? हाँ। इसके आगे क्या हुआ उससे हम सब बखूबी वाकिफ हैं। जेम्स ने तैश में आकर धीरज की जान ले ली और फिर पुलिस से बचने के लिए जेम्स और रेचल ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसे कहीं दूर जंगल में ले जाकर जलाने की कोशिश की। पुलिस की सख्त तहकीकात से रेचल की हिम्मत टूट गई और उसके बयान के आधार पर जेम्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जेम्स को 10 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई गई और रेचल को सबूत मिटाने के लिए 3 साल की। मुजरिमों को दी गई सजा पर भी काफी बहस हो चुकी है। 50 साल पहले के नानावती केस से भी इसकी तुलना की गई और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर ये जुर्म 50 साल बाद दोबारा हुआ है तो मुमकिन है कि ये फिर से हो बार बार। आज हम इस केस को इससे जुड़े किरदारों के दृष्टिकोण से देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस मोड़ पर वो क्या अलग कर सकते थे जिससे इस हत्या की, इस जुर्म की नौबत ही नहीं आती। आविदारा, मैं आपको समझाता हूँ। आप कंफर्टेबल हो मैम? यस सर। आप इस तरह से बाल हटाओगे, यहाँ पे किस करना और बोलना इत्र मामल्लम चरणम। ओके, समझे आप? यस यस यस। एंड एक्शन। इत्र मामल्लम चरणम। Because I use Sparkle Moisturizing Lotion, 100% pure and 100% natural. Okay, चलो ब्रेक। कैसा था? Nice shot. तुम्हें awkward तो नहीं लगा ना मुझे ऐसे shot देते हुए देखकर? तो क्या हुआ? वो तुम थोड़ी ना थे। I know. You were just playing the character. And in reality, तुम मेरे हो,
सिर्फ मेरे। पता है शूट के बाद डायरेक्टर ने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? मुझ में ना एक स्पार्क है। तो है? मुंबई में तो मैं छा जाऊंगी। और तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है जेम्स, ये रीजनल इंडस्ट्री ना, इससे मैं ऊब चुकी हूँ। ये इतनी भी बड़ी नहीं है कि मेरा टैलेंट इसमें समा सके, और मैं अपने पंख फहराना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ। मुझे ना मुंबई जाना है जेम्स, प्लीज जेम्स। रेचल यार, मुंबई तुम्हें सिर्फ वहां की चकाचौंध दिख रही है। वहां की असलियत क्या है मैं जानता हूं, वहां मॉडल्स को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं ये तुम भी जानती हो। इट्स नॉट सेफ रेचल। मुझे नहीं जाना इंडस्ट्री की असलियत और चकाचौंध के बारे में, मेरी बात कर। मुझ पर तो भरोसा है ना तुम्हें? पापा तुम पर पूरा भरोसा है, पर तुम अकेले कैसे मैनेज करोगी? बस सुनो, सिर्फ 3 साल, 3 साल का टाइम दे दो, मैं पूरी मेहनत और लगन से कामयाब होने की कोशिश करूंगी, और अगर फेल हो गई तो सीधा घर वापस, और 4th साल के पहले दिन तुमसे शादी, प्रॉमिस। ओके, तो मैं 3 साल तक शादी के लिए वेट करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। एनीथिंग फॉर यू। अगर हनीमून अभी मना लें तो? अंकल वो मैं कुछ आपसे बात करना चाह रहा था। बोलो। अंकल मुझे लगता है कि सबको एक मौका तो मिलना चाहिए अपने ड्रीम्स पूरे करने का। रेचल टैलेंटेड भी है, पैशनेट भी है, और इतनी समझदार तो है कि कहीं भी अपना ख्याल रख सकती है। उसके सपने मुंबई में ही पूरे हो सकते हैं। आप क्या कहते हैं अंकल? जेम्स, मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया है, अब वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियली थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। चीयर्स टू आवर सुपरस्टार रेचल। तुमने मुंबई का एड्रेस और फोन नंबर नहीं दिया। अरे भूल ही गई, मम्मा से ले लेना। ओके, और रहोगी किसके साथ वहां? 2 roommates हैं, एक किसी फाइनेंस कंपनी में नौकरी करती है और दूसरी राइटर है। मिली नहीं हूँ दोनों से, पर फोन पे बातचीत से तो ठीक ही लगी। बाय। बाय जेम्स, एंड थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आई वोंट लेट यू डाउन। लुक देयर, चलो अब। यार समझ में नहीं आ रहा है, तुझे कांग्रेस बोलूं या बेस्ट ऑफ लक? क्या मतलब? मतलब तेरी गर्लफ्रेंड सुपर मॉडल बनने जा रही, इसके लिए तुझे कांग्रेस बोलूं या? यहाँ खूबसूरत गर्लफ्रेंड मुंबई की चकाचौंध में अकेली, इस बात के लिए तुझे बेस्ट ऑफ लक बोलूं? बहुत कमी नहीं हो भी, तुम लोग बहुत कमी। वो तो पैदाइशी है। अरे नेटवर्क नहीं आ रहा, एक मिनट में आया, फोन करके आने। नेटवर्क के बहाने भैया चेक करने गए हैं। क्या हुआ? नहीं उठाया। या हाय रेचल, कहाँ हो यार, कब से फोन कर रहा हूँ? सॉरी यार, मैं शहर में थी। हाँ सॉरी यार, मेरी गलती है, बाकी सब ठीक सेटल। या अच्छा हुआ तुमने कॉल किया, पता है मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी। हाँ हाँ बोलना। कल और परसों 2 दिन मेरा ऑडिशन है एड के लिए। ग्रेट यार, ऑल द बेस्ट। हाँ अब कैसा हुआ बताना मुझे। श्योर।
चलो तुम अभी आराम करो, फिर मैं करता हूँ बाद में फोन, है ना? गुड नाइट स्वीट हार्ट. गुड नाइट, बाय. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, टेक अ सीट. थैंक यू. जेम्स सर, तुम्हारी अगली ट्रिप के ऑर्डर्स कभी भी आ सकते हैं. आई एम एक्सपेक्टिंग इट एनी टाइम. नो वरी सर, आई विल बी रेडी. गुड. हेलो रेचल, यार कहाँ हो तुम? हाउ आर यू? अरे मैं सुपर ठीक हूँ, सुपर हैप्पी हूँ. लगता है ऑडिशन बहुत हिट हुआ. अरे हिट नहीं, सुपर हिट. जेम्स मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा. पता है हर बार की तरह ना मैं इस बार भी नर्वस हो गई थी, घबरा गई थी, पर इस बार ना एक मसीहा था वहाँ मेरी हेल्प करने के लिए. उसने मुझे ठीक वैसे ही संभाला जैसे तुम मुझे संभालते हो. मैं सोच रही थी कि 5 मिनट के ऑडिशन में उसने क्या क्या देख लिया. या ट्रू. वैसे है कौन ये मसीहा? धीरज नाम है उसका, एयर एड एजेंसी का एग्जीक्यूटिव है. आई सी. रिचल आई एम सॉरी, मुझे अचानक से याद आया मुझे विनीत से मिलने जाना है. चलो बाद में बात करते हैं. ओके बाय. बाय. जेम्स अगला ट्रिप तुम्हारा साउथ अफ्रीका, केप टाउन. मुंबई से बोर्ड करोगे तुम, 2 महीने का ट्रिप है. रिचल यहाँ है नहीं, शुडंट बी अ प्रॉब्लम. पेपर्स चेक कर लो, तब तक मैं मिस्टर नायर से मिलकर आता हूँ. ओके थैंक्स. हेलो. हेलो. मेरा अगला असाइनमेंट आ गया है, 2 महीने की ट्रिप है. एंड यू नो व्हाट, इस बार मेरी बोर्डिंग मुंबई से है, तो मैं सोच रहा था कि निकलने से पहले 2 दिन हम साथ गुजार सके तो. ब्रिलियंट जेम्स, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता. तुम्हें पता है 1 हफ्ते के लिए ना मेरे रूममेट्स भी बाहर जा रहे हैं, तो तुम आराम से रह सकते हो. ग्रेट, तो मैं आज ही टिकट बुक कर लेता हूँ. थैंक यू बेबी. सॉरी स्वीटहार्ट, मुझे आने में ना देर हो जाएगी. चाबी है ना डोरमैट के नीचे रखी है. अंदर चले जाना एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल बेबी. Welcome home, sweetheart. Wow, so romantic. पर तुम्हें कैसे पता चला मैं आ गई? देखा मैंने बालकनी से तुमको आते हुए. I'm so 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 sorry, sweetheart. मैं वहां से निकल ही रही थी तो सपने मुझे रोक लिया, बोला केक कटिंग के पहले नहीं जाना है. और किसी और का बर्थडे होता ना तो मैं 2 बार सोचती भी. But dude, धीरज का बर्थडे था, कैसे नहीं जाती? या ऑफ कोर्स,
तो ड्रिंक्स भी थी पार्टी में? ऑफ कोर्स डूड, ऐसी पार्टी में तो ड्रिंक्स होती ही हैं। या फिर तो ये वेस्ट हो गई। मेरी होते हुए तुम्हें इसकी क्या जरूरत? अच्छा, जेम्स क्या बात है? आर यू इन अ हरी? सर वो एक्चुअली रेचल आई है मुंबई से और सिर्फ दो दिन के लिए आई है, तो मैंने सोचा जल्दी फिल कर लेता हूँ। ये फॉर्मेलिटीज बाद में पूरी कर लेना, जाओ जाकर पहले रेचल से मिलो। थैंक यू सो मच सर। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी अंकल एंड आंटी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। वैसे पार्टी तो बाहर चल रही है, तुम यहां अंदर क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। पता है जेम्स, अब धीरे धीरे ना सब ठीक होता दिख रहा है। धीरज ने मेरी बहुत हेल्प की है। That dude is just so awesome. ये dude dude क्या लगा रखा है यार? मतलब every time लगता है मुझे मुंबई की हवा लग गई। मुझे लगता है तुम्हें मुंबई की नहीं, उस धीरज की हवा लग गई है। धीरज नाम के प्रति जेम्स के मन में द्वेष शुरू से ही बस गया था, लेकिन फिर भी वो उस द्वेष को, उस जलन को अपने अंदर दबाए बैठा था। वो जलन जो धीरे धीरे एक ज्वालामुखी में तब्दील हो रही थी। काश के जेम्स ने धीरज के बारे में खुलकर रेचल से बात की होती तो शायद वो अपने इस अनजाने अनदेखे खौफ का सामना बेहतर तरीके से कर पाता और शायद रेचल में आ रहे बदलाव को भी अच्छी तरह से समझ पाता। शायद वो ये समझ जाता कि रेचल के लिए करियर प्यार से बढ़कर है और अगर उसे रेचल का ये रवैया मंजूर नहीं होता तो वो उससे बहुत पहले ही अलग हो गया होता और किसी को भी अपनी जान से हाथ धोने की नौबत नहीं आती। बाय बेटा, जस्ट वन मिनट। थैंक यू। बाय बाय बाय। आंटी वो पार्सल में क्या था? मैसूर पाक। मैसूर पाक? पर रेचल तो मिठाई खाती नहीं है। अरे बेटा वो अपने लिए नहीं लेके गई है, अपने किसी दोस्त के लिए लेके गई है। क्या बताया था उसने धीरज? Happy birthday, James. Cheers. Hey, baby. Happy birthday, sweetheart. Thank you so much. मेरे friends तुमको wish करना चाहते हैं. Hi, James. This is Dhania. Wish you happy birthday. Thank you. Hi, James. Sneha here. Wish you very happy birthday. Thank you so much. Hey, dude. Wish you very happy birthday. बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। धीरज, यार really dude, बिना नाम बताए पहचान लिया तुमने यार। Never mind, रेचल को फोन दो। Sure. Hello. तुम जब फ्री हो जाओ तो कॉल करना।
हेलो, मैंने तुमसे फोन करने के लिए कहा था ना। हाँ तो फ्री होकर कॉल करने के लिए कहा था ना। रात के 1:30 बज रहे हैं रेचल, अभी कहाँ बिजी हो तुम। प्लीज जेम्स, हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा बर्थडे मेरे बगैर ऑसम। क्या मैं नाम जान सकता हूँ कि मेरे बर्थडे पे कौन कौन से गेस्ट इनवाइटेड हैं? स्नेहा है, धनिया है और 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 धीरज भी है। धीरज, I knew it, damn it. कान पक गए मेरे इस धीरज का नाम सुन सुन के। साई की तरह चिपका रहता है वो तुमसे। प्लीज जेम्स, तुम नो, यू लिसन टू मी। अगर तुम उससे प्यार करती हो ना तो इस धीरज से मिलना छोड़ दो। That would be the best birthday gift ever. Okay? Hello. Hey. बोलो। कैसी हो? बड़ी जल्दी याद आ गई तुम्हें। 3 दिन बाद खबर ले रहे हो। I'm sorry यार रेचल। I didn't mean to hurt you. It's okay. अच्छा कहाँ हो? एक प्रॉपर्टी एजेंट के साथ। नया घर देखने आई हूँ। आओ, नया घर है नौला? ये कब हुआ? इन 3 दिनों में टाइम मिला होता ना खबर लेने का तो पता चल जाता। यार ऐसा क्या हो गया इन 3 दिनों में? बहुत कुछ हो गया। मकान मालिक ने नोटिस दे दिया, धनिया दिल्ली चली गई और स्नेहा ने भी नया घर ले लिया। और मैं भी, कितनी तकलीफ से ये घर मिला है ना मुझे, मैं ही जानती हूँ। अच्छा शिफ्ट कब कर रहे हो? मैं आ रहा हूँ मुंबई हेल्प के लिए। मैं कर लूंगी मैनेज, वैसे भी इतना सामान नहीं है मेरे पास। ओके देन, टेक केयर। अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट फ्लाइट लेके आ जाऊंगा। ओके, आई नो, बाय बाय। हेलो। अच्छा सुनो, नूडल्स मंगा रहा हूँ। चिकन मंचूरियन खाना है या मशरूम? चिकन। कौन है वहां पर? किसकी आवाज है वो? वो धीरज। रेचल, वो वहां क्या कर रहा है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे वो आदमी तुम्हारे पास नहीं चाहिए। इट्स ओके जेम्स, प्लीज, इट्स ओके। वो सिर्फ हेल्प करने आया है। व्हाट हेल्प करने आया था यार? जब मैंने मना किया था कि वो आदमी मुझे तुम्हारे पास नहीं चाहिए, तुम कर क्या रहे हो तुम्हारे पास? जेम्स प्लीज, विल यू काम डाउन। मैंने कहा ना, वो सिर्फ हेल्प करने आया है और खाना खाकर चला जाएगा। एक बात ध्यान से सुन लो, वो रात में वहां पर नहीं रुकेगा तुम्हारे साथ। इज दैट क्लियर? ओके जेम्स, इट्स क्लियर। अब मैं फोन रखूं? लेकिन काश के जेम्स ने उस सुबह क्रोध से नहीं संयम से काम लिया होता तो शायद वो रेचल की बेवफाई के बदले उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता और ऐसे संगीन जुर्म को अंजाम नहीं देता। जिंदगी के हर मोड़ पर हर फैसले के लिए हमारे पास विकल्प होता है और उस पल में लिए गए फैसले से आगे का सफर तय होता है। आइए देखते हैं कत्ल की सुबह तक रेचल का सफर। This lipstick is not matching. I think you must apply this. Yeah, beautiful pink. This is going to match with your dress.
मम्मा यहाँ मैंने फैसला कर लिया। What? मुंबई तो मैं जाके रहूंगी। मुझे तो पहले से ही मालूम है बेटा, तुम्हारी डेस्टिनी इस छोटे से शहर में हो ही नहीं सकती है। पर दादा नहीं मानेंगे। उसकी टेंशन आप मत लो, दादा को मनाना मुझे आता है। कैसे मनाओगी उन्हें? अंकल रेचल टैलेंटेड भी है, पैशनेट भी है, उसके सपने मुंबई में ही पूरे हो सकते हैं। आप क्या कहते हैं? अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चीयर्स फॉर आवर सुपरस्टार रेचल। चीयर्स। पता नहीं कैमरा ऑन होते ही ना मुझे क्या हो जाता है। It's okay, Rachel. Beginning में ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। Thank you so much. हमेशा मेरा साथ देने के लिए। Hi, my name is Rachel. My age is 24. My height is 5'4" and my vitals are 33, 26, 34. Excuse me, धीरज? Yes? अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? कहिए। आप मीडिया एग्जीक्यूटिव हैं, आप मॉडल क्यों नहीं बने? आई मीन यू आर सो हैंडसम। अगर हर हैंडसम आदमी मॉडल या एक्टर बन गए, कैमरे के पीछे का काम कौन संभालेगा? गुड कमबैक। अगर आप ज्यादा बिजी ना हो तो मैं आपको कॉफी पिला सकती हूँ। ना फिलहाल, फ्रेश हो बाय। श्योर। सी यू। बाय। जिंदगी में किसी भी मकसद को हासिल करने का कोई आसान तरीका, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और अगर होता भी है तो वो जोखिम से भरा हुआ होता है। काश के संघर्ष से इतनी जल्दी हार मानने की बजाय रेचल ने अपनी कला, अपने आत्मविश्वास पर भरोसा किया होता तो शायद उस रिश्ते की नींव ही नहीं पड़ती जो एक बेरहम कत्ल की वजह बना। हाँ तो आप कुछ कह रही थी। आई एम श्योर आप इतने बिजी रहते हैं तो आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप सब मॉडल्स का स्क्रीन टेस्ट देखें। बट प्लीज एक बार मेरा स्क्रीन टेस्ट देखकर अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए ना कि मैं मॉडल बन सकती हूँ या नहीं। और अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो कोई टिप्स? आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे लगा था कि तुम भी और मॉडल्स की तरह। मॉडलिंग मेरा पैशन है और अपने पैशन के साथ कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करना चाहती। वो तो आप इतने सीनियर हैं, मैंने सोचा आपसे एडवाइस ले लूं। या थैंक यू। सीनियर तो हूं लेकिन आई मस्ट से कि तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। पैशनेट, टच में रहना तुम मेरे। हेलो रेचल, यार कहाँ हो तुम? हाउ आर यू? अरे मैं सुपर ठीक हूँ, सुपर हैप्पी हूँ। लगता है ऑडिशन बहुत हिट हुआ है। अरे हिट नहीं, सुपर हिट। जेम्स मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पता है हर बार की तरह ना मैं इस बार भी नर्वस हो गई थी, घबरा गई थी, पर इस बार ना एक मसीहा था वहाँ मेरी हेल्प करने के लिए और उसने मुझे ठीक वैसे ही संभाला जैसे तुम मुझे संभालते हो। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। और पता है जब मैं उसे थैंक्स कहने के लिए गई तो उसने मुझे कहा सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, ट्रीट देनी होगी। और फिर हम कॉफी पीने गए और पूरे टाइम वो मेरे ऑडिशन की इतनी तारीफ कर रहा था। मैं सोच रही थी कि 5 मिनट के ऑडिशन में उसने क्या क्या देख लिया। और पता है कॉफी के पैसे भी उसी ने दिए। है कौन ये मसीहा? धीरज नाम है उसका, एयर एड एजेंसी का एग्जीक्यूटिव है। हम बाद में बात करते हैं। ओके बाय। okay,
रूल नंबर वन, अगर सुपर मॉडल बनने का सपना देख रही हो तो किसी भी बी ग्रेड एजेंसीज के साथ काम करना स्ट्रिक्टली नो, क्योंकि एक गलत रिलीज तुम्हारा जिंदगी भर के लिए करियर खत्म कर सकती है। मैं तुम्हें कुछ ब्रांड्स के लीड्स दिलाता हूँ। रियली? यस। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। वैसे यहाँ से जाने के बाद क्या करोगी तुम? कुछ खास नहीं। एक्सलेंट। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड चिराग का आज बर्थडे है, तो व्हाई डोंट यू जॉइन मी? चिराग! तुम्हें कितनी बार कहा है कितनी मत पिया करो, चल भी नहीं पा रही हो तुम। I'm okay. कहो तो तुम्हें उठाकर ऊपर तक छोड़ दूं? चलो, वैसे भी हमें नीचे उतारने वाला ऊपर ही बैठा है। क्या मतलब? जेम्स, अपने फियांसे को ऊपर बैठा कर तुम मेरे साथ यहाँ पार्टी कर रही थी। मुझे पता है मैं गलत कर रही हूँ, पर मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती। आई विल मैनेज। Welcome home, sweetheart. Wow, so romantic. Thank you, Dheeraj. तुम नहीं होते ना तो मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि निखिल राजा अध्यक्ष मैं अपना फोटो शूट करवाऊंगी। मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं ना दो दिन के लिए मैसूर जा रही हूँ मम्मा पापा के पास। मम्मा पापा की एनिवर्सरी है। ग्रेट। कुछ लाओ तुम्हारे लिए वहाँ से। मैसूर के दो ही तो चीजें स्पेशल है, एक तुम और दूसरा मैसूर पाक। दो दिन नहीं रह सकते मेरे बगैर? बात दो दिनों की नहीं है। Come on, don't be jealous. अपने पेरेंट्स के घर आई हूँ मैं। कोई आया? वेट, मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय। For you. पता है जेम्स, अब सब धीरे धीरे ठीक होता दिख रहा है। धीरज ने ना मेरी बहुत हेल्प की है। मुझे लगता है तुम्हें मुंबई की नहीं, उस धीरज की हवा लग गई है। हे जेम्स, जेम्स का फोन, जेम्स का। हेलो। मेरे बर्थडे पे कौन कौन से गेस्ट इनवाइटेड हैं? नेहा है, धनिया है और धीरज भी है। आई न्यू इट। कान पक गए मेरे इस धीरज का नाम सुन के। साई की तरह चिपका रहता है वो तुमसे। प्लीज जेम्स, तुम नो, यू लिसन टू मी। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो इस धीरज से मिलना छोड़ दो। दैट वुड बी द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर। ओके मैडम, यहाँ पे सिग्नेचर कीजिए। हेलो, कैसी हो? 3 दिन बाद खबर ले रहे हो? यार ऐसा क्या हो गया इन 3 दिनों में? मकान मालिक ने नोटिस दे दिया। अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट फ्लाइट लेके आ जाऊंगा। बाय। करियर के लिए महत्वाकांक्षी होना, शोहरत और नाम कमाने का जुनून होना, ये कोई जुर्म नहीं है। लेकिन उस महत्वाकांक्षा को अंजाम देने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करना, ये खतरे से खाली नहीं होता। अगर रेचल ने अपने हुनर, अपनी काबिलियत के साथ ईमानदारी बरती होती तो शायद उसे धीरज के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती
और शायद धीरज की हत्या भी नहीं होती। इंसान के आज को गढ़ने में उसके अतीत का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो क्या था धीरज का अतीत, क्या थी उसकी कहानी जो उसे उस सुबह रेचल के घर तक ले आई जहां एक दर्दनाक अंत उसका इंतजार कर रहा था। हेलो, गुड मॉर्निंग माँ। पाए लागू, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तू कैसा है? तू है ना, फिक्र ना किया कर मेरी। अब तू बस बोलता ही रह, जब तक तेरी ध्यान रखने वाली कोई अच्छी सी लड़की नहीं मिल जाती ना, फिक्र तो होगी ना मुझे। तो ऐसा करो, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लो और जब मिल जाए तो मुझे फोन कर दो, फर्स्ट फ्लाइट से आ जाऊंगा। फिर मजाक में टाल दी ना बात। माँ, मजाक करने का भी टाइम नहीं है मेरे पास, ऑफिस जाना है, बहुत सारा काम बाकी है। अच्छा सुनो, शाम को फोन करता हूँ, बाय। अरे सुन तो, गुड मॉर्निंग। एक किस अगर तुम भी दे देते तो मैं भी थोड़ा जल्दी उठ जाती। अभी भी देरी नहीं हुई है, बहुत सारा काम बाकी है। आधे घंटे में तैयार होकर ऑफिस पहुंचो और नाश्ता ऑफिस की कैंटीन में ही कर लेना, ठीक है? बाय। एक्सक्यूज मी, धीरज? Yes? मैं आपको कॉफी पिला सकती हूँ? ना फिलहाल, फ्रेश हो बाहर। Really? कॉफी शॉप? हाँ, तुमसे मतलब? मतलब ब्लडी यू आर माय बॉयफ्रेंड, तुम किसी दूसरी लड़की के साथ कैसे जा सकते हो? हे लिसन, किसी के साथ एक या दो बार सो जाने से कोई किसी का बॉयफ्रेंड नहीं बन जाता, समझी तुम? और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, इसलिए अपना ये इमोशनल ड्रामा ना बंद करो। धीरज, इसे भी डम कर दिया? मन भर गया यार, किसी दिन किसी गलत लड़की के हाथ पे चढ़ गया तो मरेगा तू। गलत लड़की तो अच्छी लड़की फिर किस चिड़िया का नाम है? कहाँ जा रहे? शिकार पर। तू बहुत ही बड़ा डूड समझता है ना अपने आपको, अगर कोई लड़की तेरे साथ ऐसा करे तो तुझे घुमा फिरा के डम करने के बाद अगर तुझे पहचानने से भी इनकार कर दे तो कैसा लगेगा तुझे, बता? एक मिनट, सिगरेट पी कर आता। भाई का दिल बहुत पहले ही दुख चुका है, सच्चा प्यार था इसका, 5 साल साथ रहे और 12वीं क्लास में इसे छोड़ के चली गई थी, और वजह वजह कोई भी नहीं। हेलो मिस पैशनेट, आज रात को क्या कर रही हो? श्योर, या विल सी यू। बचपन में लगी एक चोट ने धीरज के दिल में इस तरह से घर कर लिया था कि उसे लड़कियों से या शायद वफादारी से डर लगने लगा था। कमिटमेंट के डर और लड़कियों के प्रति एक निरादर की भावना ने उसे एक कंपल्सिव वुमेनाइजर, एक व्यभिचारी बना दिया था। काश उस संवेदनशील उम्र में लगे सदमे से उभरने के लिए धीरज को काउंसलिंग या फिर पेशेवर सलाह मिली होती तो शायद वो आज उस दर्द से उभर कर एक स्वस्थ जीवन जी रहा होता। कब वापस आओगी? 2 दिन नहीं रह सकते मेरे बगैर। 2 दिन तुम किसके साथ हो? तुम ना, कोई आया, वेट मैं बाद में कॉल करती, बाय। Come in. आ गई अटल ठिकाने में। I'm sorry. That's my baby. Surprise! एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे पास आई और ये रहा तुम्हारा मैसूर पाक। स्वीट्स बाद में, सबसे पहले मेन कोर्स।
जेम्स का फोन, जेम्स का। कान पक गए मेरे इस धीरज का नाम सुन सुन के। प्लीज जेम्स, तुम नो, यू लिसन टू मी, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो इस धीरज से मिलना छोड़ दो। दैट वुड बी द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर। ओके धीरज, ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? ये उन दोनों की आपस की बात थी, तूने फोन स्पीकर पे क्यों डाला? शोर नहीं होगा तो नफरत कैसे बढ़ेगी, और एचल जेम्स को छोड़कर मेरे पास कैसे आएगी, इसलिए स्पीकर पे तो फोन को डालना जरूरी था। हेलो। हे, मिल गई चाबी? बस अभी मिलने ही वाली है। गुड। शिफ्ट कब कर रही हो? और जरूरी काम हो भी क्या सकता है? या आई नो। ऐसा है ना, अगर इतनी स्पीड से करोगी ना तो पूरी रात इसी में निकल जाएगी। मुझे दो। तो जल्दी किसे है, और स्पेशली तब जब कल की होने वाले सुपर मॉडल तुम्हें कंपनी दे रही है। ऐसा है ना मैडम, कंपनी से पेट नहीं भरता, खाने से भरता है। ऑर्डर करूं? श्योर। हेलो। हे बेबी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, बस शिफ्टिंग में बिजी थी। अच्छा सुनो, नूडल्स मंगा रहा हूँ। चिकन मंचूरियन खाना है या मशरूम? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे वो आदमी तुम्हारे पास नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, वो सिर्फ हेल्प करने आया है, और खाना खाकर चला जाएगा। वो रात में वहाँ पर नहीं रुकेगा तुम्हारे साथ। Is that clear? Okay, James. क्राइम ऑफ पैशन, अपराध की दुनिया में यह जुमला हमें अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन दूसरे अपराधों की तरह यह भी टल सकता है। महत्वाकांक्षा, लालच, हवस, क्रोध, ये वो जज्बे हैं जिसमें इंसान अंधा होकर कत्ल जैसे जुर्म को अंजाम दे देता है या फिर उसका शिकार हो जाता है। संयम, सतर्कता और धैर्य, ये वो गुण हैं जिनसे ऐसे जुर्म टाले जा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की कहानी में किरदारों और उनके जज्बात को समझने की हमारी कोशिश भविष्य में इस तरह के जुर्म को रोकने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होगी। बॉलीवुड का सुनहरा पर्दा हमेशा से ही न जाने कितने ही युवाओं का सपना रहा है। जहां कुछ लोगों के सपने पूरे होने से पहले ही टूट जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे युवा भी होते हैं जिनका नसीब उनकी उंगली थाम लेता है। पहले तो हिंदुस्तान के हर कोने से लोग यहां आया करते थे, लेकिन अब बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए एनआरआई युवाओं में भी होड़ लगी है, और सबकी आंखों में बस एक ही सपना है, सुपरस्टार बनने का। ऐसा ही एक सपना लेकर कुछ साल पहले एक एनआरआई लड़की हिंदुस्तान आई थी, फिजा पठान। जहां एक तरफ फिजा कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा रही थी, वहीं दूसरी तरफ विकास, जो बॉलीवुड की एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से था, उसे भी बहुत जल्द एक बड़ा बैनर लीड हीरो में लॉन्च करने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो दोनों की जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक रात फिजा की लाश उसके कमरे में मिली। कुछ लोगों का मानना था कि फिजा ने आत्महत्या की है, वहीं कुछ लोग विकास को इस सब के लिए कसूरवार ठहरा रहे थे। आखिर सच क्या था? आइए एक झलक उसके बचपन की भी देखें, और ये समझने की कोशिश करें कि इतनी मुश्किलों के बाद जब जिंदगी बाहों में भरने को आई, तो क्या वाकई में फिजा ने मौत को गले लगा लिया, या फिर उसकी मौत का राज कुछ और ही है।
इट वॉज नॉट माई फॉल्ट. ओके, अगर मुझे दोबारा मिलेगा दोबारा मैं तोड़ दूंगा उसका मैं. सुभाष कूल डाउन. व्हाट कूल डाउन? कूल डाउन, लेट्स गो होम नाउ. जब बैंड बजी पड़ी मेरी इज्जत मिल गई इतना मारूंगा ना उसे, याद रखिएगा मेरे को. समझ जाए तीन गाड़ी मिले वहां पर. अब चलो. काम डाउन. Amazing. She has a great voice. You just sign the contract. We will make her famous. Just bring her to me. I'm sick of it. Stop it. Stop it. Stop it. My life and my life. I'm just like you. I'll give you a life. What do you understand? What do you understand? Look at me. Look at me, bancha. You'll have to be very strong now. I swear, Ammi, I don't have any idea. Uncle, मेरे साथ क्या कर रहे थे? मैंने उन पर पूरा यकीन रखा था. But he बहुत मेरा Ammi. Please, Nana ji, I know कि मैंने आपसे आपका husband छीना है. But please help me, because मैं रोज रोज ऐसे जानवरों की तरह नहीं पीट सकती नैना जी. Please मेरी मदद कीजिए. अगर मैं किसी की मदद कर सकती तो सबसे पहले अपनी मदद करती. फिजा, I hate London. I don't want to live here anymore. तुम हमारे साथ हिंदुस्तान चलोगी? वहां तुम बॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग कर सकती हो. तुम्हें पता है अपने वक्त में हमने भी बहुत कोशिश की थी कि बॉलीवुड में अपना नसीब चमकाए, नहीं हो पाया. बट आई एम वेरी श्योर यू विल बी अ ह्यूज स्टार. फिजा के फिल्मी करियर की शुरुआत काफी धमाकेदार रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ समय के लिए सब कुछ ठंडा पड़ता नजर आ रहा था. लेकिन फिर भी फिजा खुश थी, क्योंकि उसके पास विकास का प्यार था. उसका ये मानना था कि अगर विकास उसके जीवन में है तो खुशियां और कामयाबी दोनों उसके पास जरूर आएंगी, और ऐसा लग रहा था कि उसकी ये बात जल्द ही पूरी होने वाली थी. फिजा ने कुछ बड़ी फिल्में साइन की थी और इसके साथ ही वो पूरी दुनिया को जीतने के लिए तैयार थी. तो फिर फिजा की मौत क्यों हुई? क्या ये किस्मत का खेल था या फिर इस खेल का खिलाड़ी कोई और ही था? अरे कपकेक, एक्चुअली यू शुड बी ईटिंग कपकेक्स, यू नो दैट ना? नए रोल के लिए वेट पुट ऑन करने के लिए बोला है ना तुम्हें? किसी एक्ट्रेस को खाने की अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है फिजा, और तुम ये अपॉर्चुनिटी घास फूस खा के वेस्ट कर रही हो. हाँ, डोंट वरी अम्मी, आई विल मैनेज टू लुक मोटी ऑन स्क्रीन. और आप तो जानती है ना दैट योर डॉटर इज अ बेस्ट एक्ट्रेस. मैं किसी भी रोल के लिए परफेक्ट हूँ. चलिए अब आप अपना डिनर एंजॉय कीजिए और मुझे मेरा सैलेड एंजॉय करने दीजिए. ओके चलो, आई एम ऑलमोस्ट डन हियर. हम थोड़ी देर में आ जाएंगे घर पे, ठीक है? ओके अम्मी, बाय. बाय बेटा. Congratulations, तुम्हें दो फिल्म. Want a big big party? अच्छा. Thank you. केक, आई एम बैक बेटा. वेयर आर यू फिजा? कहाँ हो फिजा?
सब इधर अंदर। ये माँ है उसकी? जी सर। बॉडी को नीचे किसने उतारा? सर वो मैडम की चीख सुनते ही मैं ऊपर आया, फिर मैं और मैडम ने मिलकर नीचे उतारा। कमरे की चीजों को किसी ने छुआ तो नहीं? नहीं सर। चेक करो सर। देखिए मैं समझ सकता हूं कि बात करने के लिए सही समय नहीं है, लेकिन इस केस की तहकीकात के लिए आपको हमारे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। क्या हुआ था? क्या हुआ? क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं हुआ। कुछ हम जब दोस्तों के साथ बाहर डिनर कर रहे थे तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन हम जब घर पे वापस आए क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया? सर पूरे कमरे में किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। घर में और कौन कौन था? मैडम अकेले थे। रानी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और दुपट्टे को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए। सुसाइड का केस है? ये कैसे बोल दिया आपने कि सुसाइड का केस है? कोई शनाख्त की आपने? कोई सबूत इकट्ठा किए? बिना इस बात की तह तक पहुंचे आपने कैसे बोल दिया कि ये सुसाइड का केस है? आप ही ने हमें बताया और आपके वॉचमैन ने कंफर्म किया था कि आपकी बेटी ने फांसी लगाई थी। लगाई नहीं थी, फांसी लगाई नहीं थी, उसे मारकर लटकाया गया था। हमने बात की थी हमारी बच्ची से, कितनी खुश थी पता है? Yes, Inspector साहब। दो बड़े बैनर की फिल्म में लीड रोल कर रही थी वो। अल्लाह का दिया सब कुछ था उसके पास, वो सुसाइड क्यों करती? Inspector साहब फ्लाइट लेने से पहले ही मेरी उससे मैसेज पे बात हुई थी, उसकी जिंदगी में कुछ भी खराब नहीं था। आप चाहते तो मैसेज देख लीजिए, एक मिनट देखिए, ये देखिए। ऑफिसर हमारी बच्ची की जान गई है, हमने हमारी बेटी गवाई है। आपको अल्लाह का वास्ता, आप ढूंढ निकालिए कि पिछले 3 घंटों में ऐसा हुआ क्या था। ढूंढ निकालिए, पता कीजिए कि मेरी बेटी का खूनी कौन है। पता कीजिए आप। हेलो, व्हाट? विकू गेट वो फिजा, उठो बेटा। फिजा क्या मॉम? फिजा इज नो मोर, शी इज डेड। उसने सुसाइड कर लिया। No. जरा चेक करो रजिया जी के जाने के बाद कौन कौन आया था फिजा से मिलने। संदीप सर ये तो डिलीवरी बॉय है, वो मैडम के लिए बुके लेके आया था। बुके? लेकिन सर उसके फ्लैट में कोई बुके या फूल तो मिला नहीं था। साहब वो डिलीवरी बॉय चला गया ना तो मैडम नीचे उतरी और मुझसे कहा कि ये बुके फेंक दो। फिर तुमने क्या किया? मैं बिल्डिंग के डस्टबिन में फेंक दिया। हाँ साहब यही था साहब, इसके ऊपर चिट लगा हुआ था और इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था साहब।
सर ये कार्ड मिला है। बेस्ट विशेस फ्रॉम विकास। आगे बढ़ा। ये एक घंटे के लिए फिजा कहाँ गई थी? जॉगिंग वॉगिंग? नहीं साहब, मैडम कभी रोड पर जॉगिंग नहीं करती थी, वो तो दिन में रोज जिम जाती थी साहब। कहाँ गई थी ये पता नहीं साहब, लेकिन साहब रात में उनका एक दोस्त उन्हें छोड़ने आया था। कौन दोस्त? पता नहीं साहब, देखा नहीं, लेकिन साहब विकास साहब छोड़ने आते थे उन्हें हमेशा, वही होंगे शायद। ये विकास कौन है? फिजा और विकास रिलेशनशिप में थे। और आप इस रिलेशनशिप के खिलाफ थी? नहीं, हमें उनके रिश्ते से वैसे कोई शिकायत नहीं थी। हमें अगर कोई बात नापसंद थी तो वो ये कि विकास की वजह से फिजा अपने फिल्म के काम में बिल्कुल दिल नहीं लगा रही थी, लेकिन हम उसे कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। उसे तो विकास से मिलते ही प्यार हो गया था। One red wine, please. Thank you. Oh shit! What the? विकास गिरेवाल, फिजा पठान विथ अ स्पॉइल्ड ड्रेस। मिलते ही उन दोनों में जैसे एक रिश्ता सा जुड़ गया था। बहुत जल्दी बहुत करीब आ गए दोनों, और इसी वजह से फिजा अपने काम से बेखबर हो गई। चलो फिजा बेटा, वी गेटिंग लेट, कम ऑन, वो प्रोड्यूसर इंतजार कर रहा होगा मीटिंग के लिए, कम ऑन। अम्मी आ गई, आई कॉल यू लेटर, ठीक है? हाँ ओके बाय। देखो बेटा, ये फ्लिंग्स, फ्लर्टिंग, बॉयफ्रेंड सब ठीक है, ओके, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, लेकिन एक बार तुम्हारा करियर तुम्हारे हाथ से निकल गया ना, तो सॉरी टू से फिजा, जिंदगी भर हाथ मलती रह जाओगी। रिलैक्स अम्मी, विकास के वजह से मैं अपने काम से डाइवर्ट बिल्कुल नहीं हो रही। In fact, he always motivates me, मेरा हौसला बढ़ाता है। और सच कहूँ तो, I'm much more focused because of his love. लेकिन फिजा तुम उस... अम्मी, 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 don't worry, you trust me, right? फिजा इतनी खुश थी विकास के साथ कि हम चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, और वक्त के साथ फिजा की विकास के लिए संजीदगी बढ़ती गई। क्या हुआ? कुछ गलत किया गया मैंने? That's the problem. तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? I was just thinking. Life भी कितनी अजीब है ना? बहुत बुरा childhood देखा है मैंने। जब से अबू ने हमें छोड़ा, life बहुत tough हो गई थी। I was raped when I was 14. कोई प्रोटेक्ट करने वाला ही नहीं था, लेकिन जब से तुम मिले हो ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ मुझे कॉम्पेंसेट कर रही है। जितना पेन मुझे लाइफ ने दिया उससे कहीं ज्यादा खुशी तुमने मुझे दी है। आई लव यू विकास, अपनी पूरी लाइफ मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। लोगों की नजरों से छुप के कुछ महीनों के लिए विकास के साथ एक किराए के फ्लैट में रहने चली गई। स्टॉप इट, स्टॉप इट।
stop it! Stop accusing me, okay? She's just my friend. Yes? And you kissed your friends? Just stop it, Visa. Just stop it. Enough is enough. Shut up! कहने को तो फिजा विकास के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मॉडर्न सोसाइटी में पली बड़ी थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी, वो बहुत स्ट्रांग थी, किसी चीज से डरती नहीं थी। लेकिन जब विकास की बात आई, वो बिल्कुल मोम की गुड़िया बन जाया करती थी। उसे विकास के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। इनफैक्ट काफी बार उसने ये कोशिश की कि हमें कन्विंस करे कि विकास अच्छा लड़का है। एक दिन I'm good, but तुम तो घर में भी फुल एटीट्यूड में रहती हो। हाँ, this scarf, these fancy glasses, what's happening? Of course, darling, I'm a star. इतना attitude तो बनता है। Hey, these are very cool glasses. Show me, show me. No, no. Rosa, don't. Show me, man. Show me. विकास ने किया है ना ये, उसने तुम पे हाथ उठाया। अच्छा, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी है, करियर है तुम्हारा, ये सब उस विकास के लिए बर्बाद मत करो। मॉम प्लीज, यू आर ओवर रिएक्टिंग। ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट सच कहूं तो गलती मेरी है। मैं बहुत डर गई थी अम्मी, वो क्या है ना, मैं बात बात पर विकास पर शक करने लग गई थी। एंड यू नो दैट ही इज इन दिस फील्ड और उसे रोज 100 लड़कियों से मिलना ही पड़ता है। बस मेरे बार बार क्वेश्चंस करने से वो प्रवोक हो गया और उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। बट ही लव्स मी मॉम, ही लव्स मी। हमने फिजा पर कभी किसी बात का दबाव नहीं डाला, लेकिन उसकी माँ होने के नाते उसका अच्छा बुरा सोचने की जिम्मेदारी आखिर हम पे ही है। इसलिए हमने उससे कहा कि कम से कम विकास से किसी कमिटमेंट की, शादी की बात करें। You are really looking beautiful. Be mine tonight. Hmm? Just for tonight? मैं तो पूरी लाइफ के लिए तुम्हारी होना चाहती हूँ। Mr. Vikas Grewal, will you marry me? क्या हुआ विकू? You don't want to commit? See, Fiza, don't get me wrong, मेरा एक्टिंग करियर अभी शुरू नहीं हुआ है एंड आई थिंक तुम्हें भी अभी अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तुम तो बिल्कुल अम्मी की तरह साउंड कर रहे हो। आई एम नॉट किडिंग फिजा, तुम खुद सोचो ना, आई मीन शादीशुदा औरत को कौन अपनी फिल्म में लीड रोल देगा? तो इसका मतलब तुम कमिट नहीं करोगे? आई वुड लव टू, सीरियसली आई वुड लव टू, बट आई थिंक ये सही टाइम नहीं है। एनीवेज बहुत वक्त है अभी हमारे पास, यू नो व्हाट आई एम सेइंग ना? टाइम ही तो नहीं है, आई एम प्रेग्नेंट। क्या फिजा सच में प्रेग्नेंट थी? लेकिन उसे अब अबॉर्शन करवाना पड़ा। हेलो, ठीक है, फिजा की बॉडी थोड़ी देर में यहां आ जाएगी। Thank you.
तक ये लेटर मिलेगा मैं जा चुकी होंगी। मुझसे अब ये पेन बर्दाश्त नहीं होता। ऑल आई वॉन्टेड वॉज लव, सम कमिटमेंट, लेकिन वो मुझे इतना भी नहीं दे पाया। दिल को यकीन था कि सब बदल जाएगा, शायद वो मुझसे उतना ही प्यार कर पाएगा जितना कि मैं उसे करती हूँ, लेकिन उसने हमारे बच्चे को हमारी जिंदगी से ऐसे अलग किया एज इफ इट वॉज अ पीस ऑफ गार्बेज। आई एम शैटर्ड, इसलिए मैं उसकी लाइफ से बहुत दूर जा रही हूँ। नाउ ही कैन बी विथ हिज पार्टिंग वुमेन एंड सेल्फिश मोटिव द वे ही ऑलवेज वॉन्टेड। मैंने उसे इतना प्यार किया है कि मैं शायद कभी उसे नफरत नहीं कर पाऊंगी, और यही उसकी सजा है। आप श्योर हैं कि ये हैंडराइटिंग फिजा की है? आपने तो कहा था उसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ये लेटर को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि उसे कोई परेशानी नहीं थी। हमें इस बात का कोई इल्म नहीं था कि वो डिप्रेशन में थी। पिछले कुछ दिनों से वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। विकास गरेवाल को लेके आओ, देखते हैं उसे क्या कहना है। हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा था, नॉट एट ऑल। देखो, फिजा का लेटर पढ़ा तो लगा के तुम दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम है। फिजा का बच्चा क्यों अबॉर्ट किया तुमने? बच्चा मैंने कुछ नहीं किया। आई मीन एबॉर्शन का डिसीजन हम दोनों का था। मतलब फिजा को इस एबॉर्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी? ऑफ कोर्स ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोगों का डिसीजन था ये। जिस रात फिजा की मौत हुई तुमने उसे एक बुके भेजा था। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो फिजा ने वो बुके कचरे में क्यों फेंकवा दिया? एबॉर्शन का डिसीजन हम दोनों का था, लेकिन एबॉर्शन के बाद से हम दोनों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। उस रात आप उससे मिले थे? नहीं, लेकिन मैंने उसे देखा था। बुके मिलने के बाद उसने मुझे कॉल भी किया था। उसे शक था कि शायद मैं किसी और लड़की के साथ। बट आई टोल्ड हर कि मेरी डिज़ाइनर से मीटिंग है, मैं उसे मिलने वाला हूँ। अनफॉर्चुनेटली डिज़ाइनर से मीटिंग अगले दिन शिफ्ट हो गई, एंड उसे लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसके बाद मैं घर आया एंड आई वॉज इन माई बेडरूम। साहब, फिजा मैडम बिल्डिंग के बाहर खड़ी है। क्या? जी साहब। किसी ने इसे यहां पे देख लिया तो बेकार में मीडिया में गॉसिप शुरू हो जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम नीचे जाओ और इसे ऊपर लेकर आओ। जाओ जी साहब। लेकिन जब तक मेरा सर्वेंट वहां पर गया, फिजा वहां से जा चुकी थी। मैंने उसे कई बार कॉल्स किए, मैसेजेस किए, पर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। फाइनली शी कॉल्ड मी एट 10:45। मैंने उसे पूछा कि वो मुझे स्टॉक क्यों कर रही थी। देन शी सेड कि वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। मुझे गुस्सा आया, किसी को भी गुस्सा आता। देन उस दिन हमारी फोन पे बहुत लड़ाई हुई। दैट वॉज द लास्ट टाइम आई स्पोक टू हर। उसके बाद मैंने गुस्से में आकर उसे कई मैसेजेस भी किए। लेकिन फिजा के सेल में हमें आपका एक भी मैसेज नहीं मिला। यस, बिकॉज हम बीबीएम पर चेक कर रहे थे। मैंने गुस्से में आकर उसे कई बुरे मैसेजेस भी कर दिए थे। उसके बाद मैंने उसे फ्रेंड लिस्ट से भी डिलीट कर दिया। शायद उसी की वजह से वो मैसेजेस भी डिलीट हो गए होंगे। आई डिडंट डिलीट टू हाइड समथिंग। कितने बुरे मैसेजेस किए थे आपने? फिजा पठान सुसाइड केस में आज विकास गरेवाल को अरेस्ट किया जा रहा है। विकास के ऊपर आरोप है कि उसने फिजा को सुसाइड के लिए उकसाया, और पुलिस को फिजा की तरफ से एक लेटर मिला है, और उस सबूत के बिना पर पुलिस अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लगाया गया है। मैम, 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 पुलिस ने आपके बेटे को फिजा सुसाइड केस में अरेस्ट किया, आप क्या कहना चाहेंगी? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू से? आई एम कंप्लीटली शॉक्ड। पुलिस ऐसे कैसे ले जा सकती है मेरे बेटे को? He's innocent, उसने कुछ नहीं किया है। लेकिन अगर पुलिस की माने तो फिजा ने अपने लेटर में विकास की तरफ उंगली उठाई है। Listen, मैं नहीं जानती उस लेटर में क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा है। All I know is मेरा बेटा दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार फिजा से करता है। He can't hurt. He just can't hurt her. छोड़िए, जाने दीजिए मुझे। Please, मैं पड़ेगा। मैं, 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 म
हमने ये सोच के आपको वो खत दिया था कि आप फिजा के कातिल को पकड़कर उसे सजा दिलवा सके, लेकिन आपने तो अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज लगा के जांच पड़ताल ही बंद कर दी। आपने फिजा का ये लेटर पढ़ा है ना, इसमें उसने साफ साफ लिखा है कि वो उसे छोड़कर दूर जा रही, इसका मतलब साफ है कि उसने मरने का मन बना लिया। क्या बकवास है ये, इसका मतलब ये है कि वो दूर मतलब लंदन जाना चाहती थी, इन सब परेशानियों से दूर जाके वो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी। लेकिन आपने तो कहा था कि उसे दो बड़े बैनर्स की पिक्चरें मिली, तो ये सब कुछ छोड़कर वो लंदन जा रही। उसने सारी डेट सजेस्ट कर ली थी, इस लाइफ से ब्रेक चाहिए था उसे। अगर ऐसा था तो ये लेटर उसने विकास को क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसके पहले कि ये लेटर वो उसे दे पाती, उसने मेरी बच्ची को मार डाला। देखिए, हमने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली। जिस रात फिजा की मौत हुई, विकास अपने घर में ही था। हमने उसके नौकर से भी बात की और वो उस रात अपने घर से बाहर निकला था, इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। सीसीटीवी फुटेज में भी वो नहीं था। हमारे वकील ने देखी है आपकी वो चार्जशीट। जिस दुपट्टे से फिजा के गले में फंदा डाला गया, वो दुपट्टा ही अब गायब है। कुछ कहना है आपको इसके बारे में? वो दुपट्टा फॉरेंसिक लैब में ही कहीं होगा, मिल जाएगा। और फिंगरप्रिंट्स? फिजा के कमरे में से कहीं भी कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, फिजा के भी नहीं, क्यों? हो सकता है मेड ने कमरा बहुत अच्छी तरह से साफ किया, और ये भी मुमकिन है कि फिजा अपने कमरे में गई ही ना हो दिन भर। और उन बंद खिड़कियों का क्या? मैंने आपसे कहा था फिजा को एसी की हवा बिल्कुल पसंद नहीं थी, ताजी हवा पसंद थी। वो हमेशा अपने कमरे की खिड़कियां खुली ही रखा करती थी, लेकिन सिर्फ उस रात सब खिड़कियां बंद थी, क्यों? और वो ड्रॉवर का टूटा हुआ हैंडल, उसका क्या? आप ही ने तो हमसे कहा था कि आपको याद नहीं है कि वो हैंडल उस रात टूटा था या उससे पहले कभी टूटा। देखिए रजीज, मैं आपको कह चुका हूं कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है। ये लेटर हमारे लिए सुसाइड नोट ही है, और इसी की बिना पर हमने विकास के खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज भी बना लिया। सबूतों को देखते हुए ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये एक मर्डर केस है। एक तरफ विकास की मां नैना इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि फिजा की आत्महत्या से विकास का कोई भी लेना देना है, और वहीं फिजा की मां रजिया इसे आत्महत्या ही मानने को तैयार नहीं थी। वो बार बार इस बात पर जोर दे रही थी कि उसकी बेटी का कत्ल हुआ है, और फिजा का खत मिलने के बाद तो उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि विकास ने ही फिजा को मारकर उसके कत्ल को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। रजिया का मानना था कि पुलिस ने अपनी जांच में कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दिया है, कि फिजा ने रात में ट्रैक सूट पहना हुआ था, यहां तक कि वो ट्रैक सूट भी घर से रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। रजिया ने मीडिया में कहा कि उसे हमेशा से ही विकास और फिजा के रिश्तों से शिकायत थी। इस पर नैना भी अपने बेटे के बचाव में मीडिया के सामने आई, और उन्होंने कहा कि अगर रजिया को विकास और फिजा के रिश्तों से शिकायत थी तो उन्होंने इतने दिनों तक उनके इस रिश्ते पर आपत्ति क्यों नहीं जताई। नैना ने यह भी इल्जाम लगाया कि रजिया की इस रिश्ते को लेकर चुप्पी की वजह यह थी कि विकास बहुत जल्द एक बड़े बैनर की फिल्म के जरिए लॉन्च होने वाला था, लेकिन रजिया ने इस बात से साफ इनकार किया, और उसने कहा कि उसने इसलिए कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो जानती थी कि इस फिल्म जगत के रिश्ते और दोस्ती समय और जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं, और यहां ना तो कोई किसी का सच्चा दोस्त है और ना ही दुश्मन। लेकिन उसकी बेटी फिजा प्यार के मामले में बहुत पुराने ख्याल वाली थी, वो विकास से बहुत प्यार करती थी और उसे यही प्यार ले डूबा। लेकिन रजिया ने भी ठान लिया था कि वो विकास को सजा दिलवा कर रहेगी। तो क्या वाकई में फिजा ने खुद आत्महत्या की थी, या फिर विकास ने उसे उकसाया था, या फिर वाकई में विकास ने ही फिजा का कत्ल किया था? चल सर, क्या फिजा पठान का मर्डर आपने किया है? नो क्वेश्चन सर। पुलिस ने क्या पूछताछ की सर? सर सर बताइए, क्या फिजा पठान का मर्डर आपने किया है? सर सर सर, अभी अभी आपने देखा कि एक तरफ जहां 25 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद विकास ग्रेवाल अपने घर जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रजिया पठान का अभी भी यही मानना है कि फिजा ने सुसाइड नहीं किया बल्कि विकास ने उनका मर्डर किया है, और इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट से इस केस के लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। अब सीनियर ऑफिसर तुषार पेडनेकर सच्चाई का पता लगाएंगे कि ये मर्डर था या सुसाइड। नमस्कार, मैं तुषार पेडनेकर, सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सीबीआई।
ये अबॉर्शन का चक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, विकास अग्रवाल को बुलाओ। मैं समझ सकता हूँ कि तुम अभी फिजा के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। यंग हो, अपकमिंग एक्टर हो सकता है तुम्हें बाकी और लड़कियों में भी इंटरेस्ट होगा। पर मैं एक बात से कंफ्यूज हूँ। अपने स्टेटमेंट में तुमने ये कहा है कि इस अबॉर्शन के लिए तुम और फिजा दोनों म्यूचुअली रेडी थे, तो ये सब हुआ कैसे? मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ था। We never wanted the pregnancy. It just happened. Yes. फिजा उस बच्चे को लेके बहुत इमोशनल थी, लेकिन फिर हमने डिस्कस किया कि इससे हम दोनों का करियर खराब हो जाएगा। इनफैक्ट हमने मेरी मॉम से भी बात की थी। हाँ ऑफिसर, जब विकास ने मुझे बताया तो आई वॉज वेरी अपसेट विथ हिम। पहले तो मुझे लगा कि अपनी केयरलेस की वजह से वो फिजा के लाइफ के साथ, उसके फ्यूचर के साथ खेल रहा है। लेकिन फिर विकास ने मुझे यकीन दिलाया ऑफिसर कि वो फिजा से बहुत प्यार करता है, उसके साथ रहना चाहता है, पर समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे। अच्छा, इसलिए आपने विकास को ये एबॉर्शन का ऑप्शन दिया? नो ऑफिसर, बिना फिजा से बात किए मैं कैसे कुछ सजेस्ट कर सकती थी। जानना चाहती थी कि फिजा के मन में क्या है, वो क्या सोच रही है, और इसीलिए मैंने उसे हमारे एक जान पहचान वाले के घर बुला लिया। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम बेटा, बट विकास अभी बच्चा है, ही इज इमैच्योर। इनफैक्ट तुम दोनों अभी बच्चे हो, ना ही तुम्हारा करियर सेटल है, ना ही तुम्हारी लाइफ। डू यू थिंक बेटा कि तुम दोनों इस बच्चे के लिए रेडी हो? लुक बेटा, इफ यू वॉन्ट, मैं विकास को कल ही तुमसे शादी करने के लिए कहती हूँ, और वो करेगा भी। बट बेटा, लाइफ के इतने बड़े डिसीजन के लिए क्या तुम दोनों रेडी हो? क्या सही रहेगा ये, बोलो। जब मुझे लगा कि फिजा और विकास इस बच्चे को लेकर अपना अच्छा बुरा समझ पा रहे हैं, तब मैंने एबॉर्शन का सजेस्ट किया। लुक ऑफिसर, इन बच्चों ने जो कुछ भी किया उसके फेवर में मैं नहीं थी, और ना ही एबॉर्शन के फेवर में थी। दोनों बच्चे थे, उम्र ही क्या थी दोनों की। अगर बच्चा हो जाता तो दोनों के लाइफ के ड्रीम्स खत्म हो जाते। एंड दैट्स वाई आई सजेस्टेड एबॉर्शन। आई स्पोक टू माई गायनेक और मैंने उन दोनों को उनके पास भेज दिया। अच्छा, तो आपने फिजा का एबॉर्शन किया था? जी, फिजा आई थी मेरे पास एबॉर्शन के लिए। मैंने उसे कुछ पिल्स दी जिसको खाने के बाद एबॉर्शन हो जाता है, और मैंने उसे कहा भी था कि कुछ दिन के बाद आके मुझसे मिले। पर जब वो नहीं आई तो मैंने उसे कॉल किया, और मुझे पता चला उसे एबॉर्शन नहीं हुआ था और वो किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करने जा रहे थे। तो मैंने उन्हें अपने सीनियर डॉक्टर को कंसल्ट करने की एडवाइस की, जिनके अंडर में मैंने काम किया, डॉक्टर शिशिर देशपांडे। मुझे बहुत अच्छे से याद है सर, सिर्फ इसलिए नहीं कि फिजा एक एक्ट्रेस थी, असल में जिस तरह से फिटस एबॉर्ट हुआ था वो थोड़ा शॉकिंग था। मैं समझा नहीं। मैंने फिजा को कुछ स्ट्रॉन्ग पिल्स दिए थे, लेकिन अगले दिन विकास ने मुझे कॉल किया। वो बहुत ही घबराया हुआ था, मुझसे कहने लगा कि पिल्स के वजह से फिजा का एबॉर्शन हो रहा है, लेकिन आधा फिटस तो फिजा के अंदर ही रह गया था, वो बाहर ही नहीं निकल रहा था। तो मैंने उसे कह दिया कि वो तुरंत फिजा को लेकर मेरे पास आ जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद विकास ने मुझे फिर कॉल किया और मुझसे कहने लगा कि अभी फिजा ठीक है, उसने उसकी हेल्प कर दिए और पुल करके वो फिटस पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। हाँ, मैंने फिटस को पुल करने में फिजा की हेल्प की थी, फिर हमने उसे टॉयलेट में फ्लश कर दिया। और हम क्या करते? क्या करते मतलब? वो इतनी तकलीफ में थी, तुम्हें ये नहीं लगा कि उसको डॉक्टर के पास ले जाए? Don't you understand? I couldn't do that. अगर मैं उसे इस हालत में डॉक्टर के पास लेकर जाता तो पूरी दुनिया को पता चल जाता, हम दोनों को काम मिलना बंद हो जाता, फिजा को कोई अपनी फिल्म में साइन नहीं करता, और मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। हमने सारे सबूतों की अच्छे से जांच पड़ताल की है और गवाहों से पूरी बातचीत भी की है, और आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये कोई मर्डर केस नहीं है। मिस फिजा पठान ने खुदकुशी की है। हो सकता है फिजा ने ये विकास की वजह से किया हो, पर अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन
ये मर्डर केस नहीं है, इसके बारे में हम श्योर हैं। जी नहीं, हम इस बयानबाजी को मानते ही नहीं हैं। सब कहते हैं हमारी बेटी ने गुस्से में आके इंपल्सिव होके खुदकुशी की। तो फिर कोई खुदकुशी करने से पहले अपने कपड़े बदलता है? फिजा का भी नहीं, जिस दुपट्टे से उसे लटकाया गया वो दुपट्टा अब गायब है। कहाँ गया वो दुपट्टा, कहाँ गया? हम बस इतना जानते हैं कि हमारी बेटी का कत्ल हुआ है, जान गई है उसकी। हमारी फिजा, उसने जिंदगी भर सिर्फ दुख देखे थे, अब जाके कहीं खुशी आई थी उसकी जिंदगी में, और तभी इस विकास ग्रेवाल ने उसे मार डाला। प्लीज फाइल द अपील एज क्विक एज पॉसिबल, और जल्द से जल्द ये सब कुछ खत्म करवाइए ताकि मेरा बेटा अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। एक तरफ नैना जल्द से जल्द फिजा की मौत से अपने बेटे का नाम अलग करना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ रजिया ने यह साबित करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था कि विकास ने ही फिजा का कत्ल किया है। रजिया ने SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम द्वारा इस केस की जांच कराए जाने की मांग की, लेकिन उनकी इस मांग को खारिज कर दिया गया। पर रजिया ने हिम्मत नहीं हारी और एक इंडिपेंडेंट ब्रिटिश फॉरेंसिक एक्सपर्ट रिचर्ड डेविस को हायर किया ताकि वो इस केस की बारीकी से जांच कर सके। रिचर्ड ने सभी चीजों की फिर से जांच की और कुछ नए तथ्य सामने आए। रजिया ने रिचर्ड की इस रिपोर्ट को हाई कोर्ट में सबमिट करने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें इस रिपोर्ट को लोअर कोर्ट में सबमिट करने का निर्देश दिया। मैम, मैम, क्या हुआ कोर्ट में? जज ने हमारी रिपोर्ट कबूल कर ली है। क्या था उस रिपोर्ट में? उसमें वो सारे सबूत हैं जो इस बात का इशारा करते हैं कि हमारी बेटी का कत्ल हुआ है। हमारी बेटी 5-4 की थी, वो खुद उस पंखे तक पहुंच ही नहीं सकती थी, उससे मारकर लटकाया गया है। उसके कमरे में कोई भी खिड़की की तरफ से आसानी से अंदर आ सकता है। बाहर की बाउंड्री वॉल सिर्फ 1 मीटर की है, जबकि रिपोर्ट में लिखा है कि वो 5 मीटर्स की है। और हमारी बेटी के गले पे बना हुआ वो दोहरा निशान हमारी बेटी के चेहरे पे, हाथ पे, होठों पे चोट के निशान थे। इन्वेस्टिगेशन में लिखा है कि पूरी बिल्डिंग में CCTV कैमरे लगे हुए थे, लेकिन CCTV सिर्फ आगे के गेट पे और लॉबी में लगे हुए हैं। इसका मतलब हुआ कोई भी पीछे की तरफ से बिल्डिंग में आसानी से घुस सकता है। ये सब लिखा है उस रिपोर्ट में। हमारी अदालत से और अल्लाह से बस यही इल्तिजा है कि इस विकास ग्रेवाल को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमें अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए और हमें यकीन है कि इस माँ को इंसाफ जरूर मिलेगा। मॉम, फिजा वाज़ अ बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। देखो विकू, कोई भी रिश्ता ना गलत नहीं होता बेटा। आई गेस तुम इतने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे। प्रेगनेंसी, एबॉर्शन और तुम्हारे गर्लफ्रेंड जिसे तुम इतना ज्यादा प्यार करते थे, उसकी डेथ। अदालत ने इस बात को रजामंदी दे दी है कि विकास पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चलाया जाए। कुछ ही दिनों में इस केस की सुनवाई भी शुरू हो जाएगी और अब यह केस कौन सा मोड़ लेगा, इस बात का इंतजार सभी को रहेगा। क्या विकास निर्दोष साबित होगा? क्या विकास को, फिजा को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी पाया जाएगा, या फिर अपनी पूरी कोशिश करके रजिया इस बात को साबित कर पाएगी कि विकास ने ही फिजा का कत्ल किया है? इस केस का अब जो भी हो, लेकिन एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। फिजा की मौत के साथ ही उसके सारे सपने भी मिट गए। शायद वो एक कामयाब एक्ट्रेस बनती, उसे बहुत सारे अवार्ड्स मिलते, और अगर इनमें से कुछ भी ना होता तो कम से कम उसके पास उसकी जिंदगी होती। जहां एक तरफ फिजा मौत की गोद में सो गई, वहीं विकास की जिंदगी भी थम सी गई है, और इस केस का फैसला आने तक वो भी सवालों से घिरा रहेगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को सीख
हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।